तो डियर आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कला वर्ग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशंस की। इस बुक की सबसे बेस्ट खासियत क्या है उसको हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसमें 2700 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं, रिपीट वाले क्वेश्चन हैं। प्लस आपको यहाँ पर 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिलता है 2017 से 2021। वन ऑफ द बेस्ट बुक है कला वर्ग के लिए चक्षु प्रकाशन। इस बुक की खासियत एक और है कि विषय सूची जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया जाए। सामान्य ज्ञान आप बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री, आपको इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, तो अच्छे से डिफाइन किया गया है। साइंस भी, मिसलिनियस भी, तो सामान्य ज्ञान सेक्शन वाइज सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। उसके बाद अगर जाते हैं सेक्शन बी भी आपको दिया हुआ है, जिसमें आप हिंदी की प्रिपरेशन करते हैं और आप जानते हैं कि हिंदी 50 क्वेश्चन आता है। उसके बाद इंग्लिश की प्रिपरेशन भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, रीजनिंग भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, कला वर्ग भी सॉल्व कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आपको परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है मार्केट में, तो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेस कर लीजिए, या फिर आप नियरेस्ट शॉप पे जाके आप परचेस कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस सेट भी और स्टडी गाइड भी। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और हम लोग जीके का टेस्ट इसमें लगाते हैं डेली। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से, ठीक है। और गंगा जो नदी है ना डियर, ये आपका इसका जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से होता है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक चीज़ और समझते हैं कि जब देखो पद्मा नाम बोलते हैं बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र जो रिवर, ये दोनों रिवर्स जब एक जगह पे मिलती हैं, जिस जगह पे मिलती हैं उसको बोला जाता है मेघना, उसको बोला जाता है मेघना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र आपको पता है कि भाई तिब्बत से निकलता है, उधर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर ये आपका बांग्लादेश में ये भी जाता है। जब बांग्लादेश में जाता है तो उसका नाम फिर क्या पड़ जाता है, मेघना, इसका नाम मेघना नदी मिल जाता है, ठीक है। तो मेघना नदी बोल देते हैं इसको जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलता है, ठीक है। तो गंगा को हम लोग पद्मा भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये दोनों रिवर्स जो होते हैं ना, ये कहाँ पे गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, क्लियर हो गया ये चीज़ें। तो 74 का पद्मा ऑप्शन बी करेक्ट है। 75, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्रकार समुद्र तट पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपका बालेश्वर में। अच्छा, बालेश्वर देखो नाम तो अभी आपने मेरे ख्याल से पहली बार सुना होगा। जो बालेश्वर है ये आपका उड़ीसा स्टेट में पड़ता है, ठीक है, अभी याद रखेंगे किस स्टेट में है, उड़ीसा स्टेट में है, ठीक है, बालेश्वर उड़ीसा राज्य में है। और इसी स्थान पर 3 अर्धचंद्रकार समुद्र तट मिलते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 75 का। क्वेश्चन नंबर 76, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। भारतीय संविधान की अपरिचितता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 17। जितने भी अनुच्छेद देख रहे हैं, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, ये आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये समझना है कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और अनुच्छेद 17 में तो मैंने बता दिया आपको क्या 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 किसके बारे में बात किया गया है, अपरिचितता उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है इस पर मूवी बन चुका है। अनुच्छेद 15 में आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर विभेद ना हो, इसके बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 16 में ये बोला गया है कि लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार दिया जाए, ठीक है, इसमें कोई भी जाति धर्म का रहे उसको इक्वालिटी का आधार दिया जाए, तो अनुच्छेद 16 में ये बोला गया है। अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करते हैं तो उपाधियों का अंत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं उपाधि लगा के अपने आप को सुपीरियर महसूस करवाते हैं, तो उन उपाधियों का भी अंत किया जाए, अनुच्छेद 18 इस चीज़ के बारे में बात करता है। सबसे कम
क्वेश्चन क्या है, 90 नंबर, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है। तो ये तो ऑब्वियसली सी बात है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो बैगनी होता है ना, बैगनी रंग होता है, उसके वेवलेंथ सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम पूछा ना। और सबसे अधिक अगर पूछ ले, कभी आपसे अधिक पूछ ले तो इसका होता है अधिक, इसका पूछ लिया अधिक, अधिक होगा तो लाल रंग का वेवलेंथ अधिक होता है, बैगनी रंग का वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग करते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखना में नहीं है, जहां पर उच्च तीव्रता की भूकंप नहीं आता है, वह प्लेस कौन सा है, वो है कर्नाटक पठार। बाकी तीनों जगह काफ़ी भूकंप आता है, कक्ष में तो बहुत ज़्यादा आता है, कक्ष में एक बार आया था गुजरात में, बहुत तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन पढ़ा था मैंने कि कक्ष में बहुत ज़्यादा भूकंप, बहुत तीव्रता का भूकंप आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका कर्नाटक पठार, यहाँ पर जो भूकंपीय है वो उसकी तीव्रता बहुत कम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है 66 का। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर बना है, ये बना है आपका चिनाब नदी पर। चिनाब कहाँ पर है, ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चिनाब जो नदी है वो जम्मू कश्मीर में है, और माय डियर फ्रेंड्स, दुलहस्ती बिजली स्टेशन बनाया गया है चिनाब रिवर पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होता है, इस रिवर पर जब ये आपका बिजली स्टेशन बनाया गया तो इससे जो बेनिफिट पहुँचता है उसमें पंजाब भी, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, उत्तराखंड भी है, दिल्ली भी है, ठीक है, चंडीगढ़ है, इन सबको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेशन बना है किस नदी पर बना है, चिनाब नदी पर बना है, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ है वो निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी के द्वारा, ठीक है। अब ग्राम पंचायत से संबंधित हम कुछ और डिटेल में बात करते हैं। देखो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 40, क्या याद रखना है, अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है, किसको, राज्यों, जितने भी राज्य हैं उनको एक निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है, कि वे ग्राम पंचायतों की स्थापना करें, ग्राम पंचायतों की स्थापना करें। आप लोग के गाँव में होगा ना ग्राम पंचायत, तो उन्हीं की स्थापना करने के लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अतः ग्राम पंचायत का गठन एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत, इसीलिए मैंने ऑप्शन सी क्लिक किया है, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था, 1973 में, पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था, 1993 ईस्वी में, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। और फर्स्ट कहाँ पर किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान में अगर राज्य पूछे तो राजस्थान और जिला पूछे तो नागौर जिला, ठीक है। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है, शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका 850 से 1200 मीटर के मध्य। तो ऑप्शन ए आप क्लिक कीजिए, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि शिवालिक जो है ना, शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो कौन से पर्वत में स्थित है, तो ये आपका हिमाचल पर्वत में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है हिमाचल पर्वत का, क्लियर है। चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आंसर बी आपका जो करेक्ट है वो है 8, तो 8 इस राज्यों से गुजरता है, 8 राज्य, ठीक है। हालांकि वो 8 राज्य याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरता है। कभी कभी मतलब 8 राज्य आपको अगर आप बीएड की प्रश्न करें तो 8 राज्य के बारे में आपको याद नहीं होना चाहिए, बाकी अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रश्न करें तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ना एलिमिनेशन करके दे देता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। बाकी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इतना याद रखिए कि 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरता है, ठीक है। डियर ऑप्शन बी 70 का करेक्ट है। तो अगर आपने यहाँ पर 10 क्वेश्चन फिनिश कर चुके हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ है 10 में से। सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।